नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आपका स्वागत है DNU टाइम्स में। चलिए रुक करते हैं मुख्य खबरों की ओर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए इंदौर जिला प्रशासन द्वारा शहरवासियों का फिर से सर्वे किया जाएगा। इसके लिए संभागायुक्त, जिलाधीश, निगम आयुक्त व कई अधिकारियों की मौजूदगी में संबंधित कर्मचारियों को मंगलवार को प्रशिक्षण दिया। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर इन दिनों कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना से बचाव के लिए तमाम तरह के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश में पहले से शहर में सर्वे कार्य किया जा रहा है, किंतु अनलॉक 1.0 के बाद एक बार फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी, सोनू निगम कर्मियों द्वारा शहर में कोरोना के लिए सर्वे किया जाएगा। कई नई जानकारियों के साथ इस सर्वे में शहरवासियों से पूछताछ की जाएगी और उसे सर्वे ऐप में डाला जाएगा। निगम कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता सहित कई संबंधित लोगों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। हर सर्व कर्मी को एक दिन में 50 परिवारों से जानकारी लेना होगी, जहां 6 दिनों में उन्हें 300 परिवारों का टारगेट दिया गया है। सातवें दिन फिर नागरिकों का फॉलो अप लिया जाएगा। इंदौर जिलाधीश मनीष सिंह ने बताया कि अभय प्रशाल में 3 दिनी प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन था। बुधवार को फिर प्रशिक्षण होगा। हम लोगों को ये लगा, मैंने जो नए कमिश्नर साहब भी अपने मोहन शर्मा सर ने पूरा रिव्यू किया था और सुलेमान सर भी जब आए थे तो उन्होंने भी पूरा रिव्यू करके बोला था ऐप को रीडिज़ाइन करके और उसको बारीकी से सर्वे हम लोग करने वाले हैं। उसी का ऐप पूरा रीडिज़ाइन हुआ है और हम लोगों ने आंगनबाड़ी की यूनिट बनाए हैं और आशा कार्यकर्ता के एरियों का या स्कूल के टीचर्स का जो एरिया है उनको यूनिट बनाया है, क्योंकि अभी सर्वे के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ भी चलनी होगी। अभी तक हम लोगों ने सभी प्रकार के नीचे के कर्मचारियों को लगा के दूसरे क्षेत्रों में भी डिप्लॉय कर दिया था, किंतु अब आंगनबाड़ी भी चलेंगी धीरे से और आशा कार्यकर्ताओं के कार्य वो भी रहेंगे, टीचर्स भी जब भी स्कूल खोलेंगे पढ़ाएंगे। तो क्योंकि ये सर्वे 2-3 महीने चलेगा, ये तो ऐप को रीडिज़ाइन करके इसमें मॉनिटरिंग टूल्स नए डाल के ताकि हर कार्यकर्ता, हर कर्मचारी क्या काम कर रहा है, कितने घरों का सर्वे करना था उसको, किस प्रकार का सर्वे किया उसने और उसके फॉलोअप कितने फ्रिक्वेंसी में किया, जो उस सब का कंट्रोलिंग करके एक ऐप हम लोगों ने रीडिज़ाइन करके उसकी ट्रेनिंग हम लोगों ने बुलाई थी। एरिया भी पहले जो सर्वे में लगे थे सबका एरिया भी इसमें चेंज किया गया है। जहाँ ये कार्यरत थे उसी क्षेत्र को हम लोगों ने यूनिट बनाया है। इस सर्वे कल से शुरू होगा। ये इसमें हम लोगों को हर घर के हर मेंबर की जानकारी डिटेल में मालूम इसमें भरनी अनिवार्य रहेगी। हर 6 से 7 दिन में, अगर मंडे को इस घर में किसी घर में गया है तो अगले मंडे को अनिवार्यता उसको जाना है सर्वे करने के लिए। तो औसत ये रखा है कि प्रत्येक टीम 50 परिवारों का डेली फॉलोअप कर ले, उनका सर्वे कर ले या देख ले उनका स्वास्थ्य कैसा है घर में। और डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग थी, डॉक्टर्स भी इसमें बैठे हुए थे जो सर्विलेंस डॉक्टर्स हैं। कहीं भी अगर टिक करने में कोई ऐसा आता है कि सारी का प्रकरण है या आईलाई का प्रकरण है। आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए DNU News Time के साथ।